फोन काट दिया। चला ये किसका नंबर है? हेलो, तारक मेहता। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? ये एक दूसरा नंबर है, वो इमरजेंसी के लिए दुकान में रखा है। अच्छा सुनिए, ये नंबर से अभी मैं वीडियो को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, आप फोन चालू रखना और सुनो मैं कैसे उसकी फिरकी लेता हूँ। अरे पर सुनो सुनो, आप ये कुछ बोलो मत, मैं नंबर लगा रहा हूँ वीडियो को, खाली सुनो आप। ओके हेलो। हाँ कौन? आत्माराम भिड़े बोल रहे ले। हाँ आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ, आप कौन? अपन भाई बोल रहे ले। भाई? कौन भाई? कौन भाई? लगता है भाई लोगों के साथ तेरा पाला आज तक पड़ा नहीं है। अरे अपन रिमोट भाई बोल रहे ले। इधर बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी रिमोट से बंद कर दे दे, समझा गया? आप लेकिन भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। अच्छा सुन, अपन सुना तेरे पास कुछ 10-1 लाख रुपया आया है? नहीं नहीं, 1 ही लाख रुपए है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? अरे अपना नेटवर्क चारों बाजू फैले ला है, समझा गया? रिमोट कशाला पाहिजे? रिमोट भाईचा फोन आहे। हा कोण भाऊ होता? अरे भाऊ नाही, भाई 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 भाई। ओ गो भाई, काय म्हणतोय तो? अरे इसको पता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। कसं काय? आप उसको झूठ बोल दो, उसको कह दो कि ये मामा जी के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं है। और चिल्ला के बोलो। हेलो हेलो, देखिए वो जो पैसे वो हमारे नहीं है, वो मामा के पैसे हैं। ए शिक्षक हो गए, झूठ बोल रहे ले। इसको ये भी मालूम है कि मैं शिक्षक हूँ? चले शाने, अभी मेरी बात ध्यान से सुनने का। देख अभी हम लोग ने क्या है, भाईगिरी का धंधा जरा बंद किए ले और समाज सेवा का धंधा चालू किया है, तो तू भी समाज का हिस्सा है, तो एक काम कर, तेरा जो लाख रुपया उसमें से ज्यादा नहीं, एक 50,000 जरा इधर सरका दे, समझा क्या? 50,000 रुपए? हाँ सामने रसीद मिलेगा ना भाई, बोल कभी आऊ लेने को। अरे ये 50,000 रुपए मांगते है? आप पूछ। मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं एक पैसा नहीं देने वाला, और अगर ज्यादा कुछ किया ना तो पुलिस के पास चला जाऊंगा मैं, और मुझे अकेला मत समझो, पूरी सोसाइटी मेरे साथ है, और मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना? दोबारा फोन मत करना। ये बहुत जवान चल रही है तेरी, रुक अभी बड़े डॉन से बात करवाता हूँ तेरी, वो एक सेकंड में तेरी बोलती बंद कर देंगे। वही बड़े डॉन से बात करने की बात कर रही है। हेलो बॉस, वो मास्टर लाइन पे हफ्ता देने के लिए मना कर रहा है, जरा मुंह से खर्चा पानी दो जरा इसको। हेलो, देखिए बड़े डॉन साहब, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बेईमानी का धंधा नहीं करना चाहिए, अगर आपको पैसे कमाने तो मेहनत की कमाई खाओ ना, किसने मना किया है? बिड़े, 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 सुनो मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ तो तारक भाई है? तारक मेहता? मेहता साहब आप डॉन है, कब बन गए? अरे भाई मैं कोई डॉन वॉन नहीं हूँ, और वो जो तुम्हारे रिमोट भाई इतनी देर से तुम्हें धमका रहे ना, वो भी कोई डॉन नहीं है, जेठालाल है अपना। क्या भिड़े भाई, कैसी लगी मजाक? क्या भिड़े तू भी यार है, अरे मराठी माणूस होऊन घाबरला? जेठालाल ये क्या मजाक है जेठालाल, ये कोई मजाक करने का तरीका है? और मेहता साहब आप भी शामिल हो गए उसमें? अरे नहीं भाई मैं शामिल नहीं हुआ भिड़े, जैसे ही तुमने मुझे फोन किया तुरंत मैंने जेठालाल को फोन किया, कभी भिड़े तुम्हें फोन करेगा उसके साथ मजाक मत करना। पर जेठालाल तो जेठालाल, मुझे भी फंसा दिया। जेठालाल कैसे आदमी हो तुम, ऐसा मजाक कोई करता है भरा? यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, सुनो यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, वो कच्चे ओवर कैसे तर 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 टूटते वैसे हो गई है, कब सुधरोगे तुम? अरे भाई अगर मैं सुधर गया तो तुझ जैसे सुधरे हुए लोगों की कौन कीमत करेगा? अरे लेकिन ये भाई लोग वाला मजाक। अरे कल वो भाई लोग वाली फिल्म देखी ना, तो उधर से आइडिया आ गया भाई। क्या जेठालाल तुम भी? अरे क्या जेठालाल, बेटा क्या तू भी, आज के जमाने में किसी के पास ऐसे ही फोन करके किसी का हालचाल पूछने का टाइम नहीं है,
ऐसे में तेरे दो दोस्त टाइम निकल के तेरे साथ मजाक करने के लिए तुझे फोन करते और तुझे कदर ही नहीं। और वैसे शुक्र मनाने वाली बात यह है भिड़े कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक जमाने का रंग नहीं चढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं वो बात सही है मेहता साहब। अच्छा भाई भिड़े, अरे भाई मुबारक हो भाई, 1,00,000 मिल गया है, क्या बात है यार, मजा आ गया ये सुन के। हाँ थैंक यू। अच्छा सुन, वो मेहता साहब ने बताया मुझे तो वो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल फिक्र मत करना, तेरे पैसे ऐसी मस्त जगह पे रोकेंगे जहाँ ज्यादा रिस्क ना हो और फायदा भी ज्यादा हो। हाँ करेक्ट, थैंक यू जेठालाल। तो मैं कुछ सोच कर रखता हूँ, तू एक काम कर, तू रात को घर पे आ जाए ना, वहाँ शांति से बैठ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रात को घर पहुँच जाऊंगा। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है ओके, चल बाय बाय मेहता साहब। बाय जेठालाल, बाय भिड़े। ओके ओके ओके। वाह दया, आज तो मजा आ गया। नहीं बापू जी, गजब नाक शाक बनाया तूने, है भरेला मरचा नु शाक। तुमने माने सिखाया? नहीं माने नहीं सिखाया। क्या बात कर रही है? हाँ। माने नहीं सिखाया? नहीं माने नहीं सिखाया। वाह चलो कुछ तो है जो माने नहीं सिखाया। तो फिर कैसे अपने आप सीखे? कहते मुझे पापा आप भी। तो बहू भरेला मरचा की सब्जी तूने किससे सीखी? वो बापूजी सुंदर वीरा ने मुझे सिखाया। सुंदर वीरा ने? वाह बोलो, मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे ही बनाता है। मिर्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बनाया। हाँ, वो क्या है, सुंदर वीरा को बचपन से मिर्ची बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपने आप ही मिर्ची के विविध स्वादिष्ट वानगियां बनाना सीख लिया है। वाह चलो नए साल में कुछ नया सुनने तो मिला। हाँ खरेखर ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ना भिड़े भाई को भी उनके मामा की तरफ से 1,00,000 रुपए मिले। अरे भिड़े भाई आइए आइए, आप 100 साल जिएंगे और भी आपको याद किया। बैठिए और सुनाओ लखपति भिड़े सेठ। हाँ तो जेठालाल बताओ, 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एक काम करना भिंडी मास्टर, सोना ले ले। चाचा जी मेरी भी यही इच्छा थी लेकिन माधवी मना कर रही है। यार तो कोई बात नहीं, फिक्स डिपॉजिट करवा ले। हाँ वो मैं करा था लेकिन अभी क्या है ना, इन दिनों ब्याज दर बहुत कम हो गया है तो उसमें फायदा नहीं है। अब भीड़ भाई मैं क्या कहती हूँ, सुंदर वीरा के पास बहुत सारे प्लान होंगे, आप उसको फोन करो। नहीं दया, भीड़े को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको डबल करने हैं। और सुंदर का क्या, वो करोड़ों की हेरा फेरी में लगा रहता है ना, तो उसके लिए 1,00,000 के लिए परेशान करना अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए सुंदर का रहने दे। क्या है ना दया, अभी अचानक 1,00,000 रुपए आ गए तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा चाचा जी मान लीजिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए आते तो आप क्या करते? मैं तो गौशाला में दान कर देता। अरे मास्टर मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, क्या है जेठिया कमाता है, पूरे परिवार का ध्यान रखता है, तो अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए आए तो मैं गौशाला में दान कर सकता हूँ। जी लेकिन तेरी बात और है भिंडी मास्टर, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो तुझे तो पैसों का सही जगह पे ही रोकन करना चाहिए, बाकी दान धर्म तो परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों को खुश रख पाएंगे ना। और वैसे भी हर इंसान का सबसे पहला फर्ज होता है अपने परिवार को खुश रखना, इसलिए तू टेंशन मत ले, तुझे 1,00,000 रुपए दान में नहीं देने हैं, तू उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर। हाँ इसीलिए तो जेठालाल ने मुझे बुलाया है। ले जेठिया तूने भिड़े को बुलाया है और तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बापूजी मैं तो कब से बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मौका मिले तो बोलो ना। मैं कहाँ कुछ बोली, मैं सुंदर वीरा के बारे में थोड़ा बोली बस उतना ही। अरे भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बात कर रहा है? नहीं नहीं बापूजी। अरे नहीं नहीं क्या है? ये भिड़े के अलावा इस घर में अभी हम 3 जन ही तो है, तू चुप बैठा है, बहू कुछ बोली नहीं है, तो बच्चा मैं, कब से मैं ही तो भिड़े के साथ बात कर रहा हूँ, वो भी भिड़े ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, बाकी मुझे क्या पड़ी है। और भाई भिंडी मास्टर तुझे जेठिया ने बुलाया था ना, तो उससे पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछा? चाचा जी मैंने जेठालाल से ही पूछा था लेकिन यहाँ से किसी ने बोला सोना ले ले तो। किसी ने? सुन ले मेरे जेठालाल, बताओ ना मुझे कि 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूं। बता रहा हूँ भाई बता रहा हूँ,
सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तुझे 1,00,000 कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। नहीं नहीं जेठालाल, साल का कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे पैसे बढ़ते रहे। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो मेरे पास कल एक बहुत बढ़िया ऑफर आई है। मेरे एक दोस्त है मनोज भाई, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर। हाँ हाँ हाँ, तो लोनावाला में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है उन्होंने। अच्छा, क्या स्कीम क्या है? अभी बुकिंग पे उनको 1,00,000 देने का, फिर 10 साल के लिए हर साल उनको 1,00,000 रुपए देने का, तो 10 साल के बाद लोनावाला की हसीन वादियों में तुम्हारा दूसरा घर हो जाएगा। 10,00,000 में? हाँ, अभी उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफर निकाली है, मतलब अभी अभी जो ये बुकिंग करेगा ना, खास उनके लिए है ऑफर। फिर बाद में 6-8 महीने के बाद तो बढ़ जाएगा भाव। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। बस ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, 10 साल के बाद वहाँ घर की क्या कीमत होगी? कम से कम 35-40 लाख तो पकड़ ले भिड़े। हाँ, और मान ले उसके आजू बाजू में किसी बहुत बड़े बिल्डर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो भाव और भी बढ़ सकता है। वाह वाह वाह, जेठालाल क्या आइडिया दिया है। वाह, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, वो थैंक यू बराबर है, लेकिन बैठ तू पहले ठीक से सोच ले, क्या कि 10 साल के लिए हर साल तुझे 1,00,000 रुपए भरना होगा, तो हर साल 1,00,000 रुपए की व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ जेठालाल, वैसे तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा। बस बस, ऐसा हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ने का। हाँ बराबर। अच्छा जेठालाल, ये तुमने जो बोला मनोज भाई, वो नहीं, अरे उनकी बिल्कुल चिंता मत कर, ये लाइन के वो बहुत नामचीन आदमी है, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महाबलेश्वर, पूना, नासिक, अलीबाग, और एकदम खरा आदमी, वरना मैं तुझे बताता ही नहीं ना भाई। भिड़े भाई, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसों के मामले में टप्पू के पापा 100 छलनी से पानी छान छान के पीते हैं। छान छान छान, तो जेठालाल अभी के अभी फोन करके मेरी बुकिंग करवा दो। अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं कल सुबह उनको फोन कर दूंगा। जेठालाल कहाँ लेट हुआ है भाई, अभी कभी फोन करो ना, तो हम लोग कल के कल पैसे भर देते हैं। और क्या है ना कि कल का दिन मेरे और माधवी के लिए बहुत खास दिन है। क्यों, कल क्या है? कल आपकी विशु हैप्पी बर्थडे है कि फिर आपकी शादी की सालगिरह है या सोनू की विशु हैप्पी बर्थडे है? नहीं नहीं देव अभी, दरअसल कल के ही दिन मैं और माधवी शादी से पहले पहली बार मिले थे, इसलिए वो खास दिन है। वाह वाह, अरे वाह भिड़े, फिर तो तुझे कल सोसाइटी को पार्टी देनी चाहिए। तो फिर मनोज भाई को क्या दूँ? अरे भाई तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी मिलकर तुझे पार्टी देगी बस। जेठालाल पार्टी का रहने दो, पार्टी बाद में कर लेंगे, अभी तू मनोज भाई को फोन तो करो। हाँ, टप्पू के पापा आप फोन कीजिए ना, सूप कॉर्न में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पत्नी परमेश्वर की बात सर आंखों पर। हाँ मनोज भाई, कैसे हो मालिक? नहीं बस वो कल आपने लोनावाला वाली ऑफर बताई थी ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना है, वो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है आत्माराम भिड़े जी, तो उनको लेना है, मतलब उनका और हमारा एकदम घर जैसा ही है, तो समझो ना मुझे ही लेना है। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। क्या कहा उन्होंने? गुड नाइट। अरे भाई उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल बुकिंग कर लेंगे। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हम लोग आएंगे आपका घर लोनावाला। हाँ बिल्कुल देव, अभी पूरी सोसाइटी वाले जाएंगे वीकेंड मनाने के लिए। हाँ जाएगा। तो जेठा पैसे कब दूँ? कल कल। हाँ तो ठीक है, कल सुबह पैसे देता हूँ। हाँ नहीं नहीं भाई, मुझे मत देना, वो मनोज भाई कल मेरी दुकान आ रहे हैं, तो मैं तुझे फोन करूंगा, वो जितने बजे आने वाले होंगे ना उसी टाइम पे तू भी आ जाना, फिर अपने हाथों से ही उनको दे देना। ठीक है जेठालाल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या, 2% दलाली भिजवा देना। मैं अभी जाकर खुशखबरी माधवी को सुनाता हूँ। चलो ओके ओके। जेठालाल ने क्या मस्त आइडिया दिया, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने का। माधवी क्या दिया है बताइए। ओहो, हमारा दूसरा घर। यस, सोचो माधवी, लोनावला की पहाड़ियों में अपना एक छोटा सा घर होगा, छोटे से घर के बाहर एक छोटा सा आंगन होगा, उस आंगन में एक टीपॉय होगा जहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पिएंगे, उस आंगन में तरह तरह के खुशबूदार फूल होंगे, उस खुशबूदार फूलों की छाव में सोनू मस्त पे की बैठ के पढ़ाई कर रही होगी। हायर स्टडीज, मतलब डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो माधवी, बरसात के सीजन में हमारे घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, सामने जो पहाड़ होंगे उसके बीच एक झरना बहता होगा, इन शॉर्ट अपना सेकंड होम अप्रतिम होगा। और माधवी, उस घर का हम लोग नाम रखेंगे
माधवी महल। नहीं नहीं ये सब मिटा दो, उस घर का नाम रखेंगे आत्माराम महल। नहीं नाम तो अच्छा है लेकिन सुनने में किसी बापू का आश्रम लगता है। सोनू निवास। हाँ, ये सांगल। सोनू निवास। कौन आया? हाँ इतनी रात गए किसका फोन आया होगा? पता नहीं चल देखते। अरे बापूजी आप इतनी रात को किसका फोन आया होगा? देखता हूँ। हेलो हेलो कौन है? पता नहीं कोई बोल नहीं रहा है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? सॉरी। हेलो लगता है शायद उनको मौन व्रत होगा। अरे मौन व्रत है तो फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। हेलो बोल नहीं रहे तो फोन रख दीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं? उसने रख दिया। सो जाए बाबूजी। हेलो हेलो हेलो। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई साहब? तुझे कैसे पता सामने कोई भाई साहब ही है? देखिए भाई या बहन बात करनी है तो कीजिए, मैं फोन रख रही हूँ। ओके बाय। सो जाए बाबूजी। अरे मम्मी रुक जाओ मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ बेटा फोन ले, सबको मौका मिलना चाहिए। हेलो हेलो। देखिए आप जो भी आप बोलना है तो बोलिए, हम सबको यहाँ पर बहुत नींद आ रही है। हेलो। अरे फोन रख दे बेटा। चल चल अरे कौन बोल रहा है? बार बार यहाँ पे फोन क्यों कर रहे हो? सबको परेशान करके रखा है कम से। डांटिए बाबूजी, डांटिए डांटिए उसको। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे, उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ सो जाओ। ठीक देखा भाई सभी निकले। ठीक है बापू। हाँ बोलो। क्या? हाँ हाँ नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अरे लेकिन क्या कल के कल पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा? अरे लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? एक लाख रुपए। अरे लेकिन अच्छा ठीक है मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। फोन उठाया मैंने, एक लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? जेठिया से भी नहीं बोल सकता, ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं? अच्छा हे भगवान ये किसका फोन आया जिसने चाचा जी की होश उड़ा दी? कई बार तो मुझे लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के लिए विधाता ने कोई स्पेशल टेंशन की सेल लगा रखी है। अक्सर यहाँ पे एक टेंशन पे एक टेंशन फ्री मिल ही जाता है। अभी भिड़े का ये लाख रुपए का टेंशन खत्म हुआ ना हुआ कि चाचा जी का नया टेंशन आ गया।
और ये कैसा टेंशन है कि चाचा जी अपने पुत्र और मेरे परम मित्र जेठालाल को बता भी नहीं सकते और उन्हें लाख रुपए का इंतजाम करना है। भाई बड़ा टेंशन है यहाँ पे, लेकिन एक ही जगह है जहाँ टेंशन नहीं है, वो आपका चेहरा, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा जहाँ हम टेंशन लेके आपको हंसाते हैं, यानी कि अब होने वाला है बड़ा टेंशन। लेकिन आप चिंता मत करिए, जितना बड़ा टेंशन उतना कमाल का मनोरंजन, देखते रहिए हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नो टेंशन। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन? वो तेरा चेहरा देख के मुझे लगा कि मेरा चेहरा देख के तुझे लगा होगा कि मैं टेंशन में हूँ, इसलिए कहा। लेकिन तू बाहर क्यों है? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लूँ तो शायद नींद आ जाए। वैसे क्या काम था रामजी काका को? वो उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मुझे फोन किया। तू टीवी देख, मैं सोने जा रहा हूं। क्या करूं पैसों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, 1,00,000 रुपये कहां से लाऊं? अरे हाँ, भिंडी मास्टर के पास 1,00,000 रुपये हैं, उससे पैसा मांगता हूं। कल सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भिड़े के घर जाकर 1,00,000 रुपये उधार मांगता हूं। ओ जी बापूजी, मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे बापूजी? बाहर जा रहा। अरे दया बापूजी, देखिए आज दया के जगह बकरे में जग गया। सरस बहू, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? भिड़े के घर, सोड़ी के घर, अय्यर के घर, मैथुस के घर, सोसाइटी में सबके घर जा रहा हूँ बस। अरे ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ भाई। अच्छा चलने जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। ओ चलने नहीं जा रहे? अरे अच्छा समझ गए बाबूजी, आप बाहर जा रहे, सॉरी। अरे चाचा जी आप? चाचा जी आइए ना, आइए आइए, बिल्कुल बैठिए बैठिए। हाँ, बड़े दिनों के बाद आए ना चाचा जी हमारे घर पे। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठिए ना चाचा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माझे बेटा, मैं घर से चाय पीकर ही आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। अब भिड़े तू अभी क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं, मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए। वो आहो, मैं जरा किराना दुकान जाकर दाल लेकर आती हूँ। हाँ। आज पूरन पोली बनाने का बेत है चाचा जी, इसलिए आप बैठिए, मैं आती हूँ चाचा जी। हाँ। उसे बोलना मैं पैसे बाद में दे दूंगा। हो हाँ। हाँ। क्या हुआ क्या चाचा जी, आप कुछ टेंशन भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ टेंशन तो है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा टेंशन दूर कर देगा। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ, पहले तू मुझे ये बता, तू मुझे चिंता मुक्त देखना चाहता है ना? अरे चाचा जी आप क्या, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी चिंता मुक्त रहे, लेकिन बताइए तो सही बात क्या है? चाचा जी अपना बेटा समझकर बेझिझक बताइए कि बात क्या है। मास्टर मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और पूरी सोसाइटी में सिर्फ तेरे से ही बात करना मुझे सही लगा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। चाचा जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए और बताइए बात क्या है। वो
देख भिड़े, भगवान को साक्षी मानकर और तुझ पे भरोसा करके मैं तुझसे ये बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। पहले भिड़े तू मुझे वचन दे कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा और मेरी मदद करने के लिए ना नहीं कहेगा। लेकिन चाचा जी मैं ना क्यों बोलूंगा, आप बताइए तो सही। नहीं नहीं तू पहले मुझे वचन दे, मुझे वचन दे भिड़े। अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको मैं ना नहीं बोलूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? बताइए। वो बात ये बिल्डिंग मास्टर के मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आपको पैसों की जरूरत है? मतलब बिजनेसमैन जेठालाल के पिताजी को पैसों की जरूरत है? क्यों मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई मुसीबत थोड़ी कोई भूल के आती है बिल्डिंग मास्टर, तू मुझे इतना बता तू मुझे पैसे देगा कि नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल पैसे दूंगा, बोलिए कितने पैसे चाहिए? 15,000 20,000? नहीं नहीं इतने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा फिर 1,00,000। कितनी? 1,00,000। 1,00,000? 1,00,000? हाँ 1,00,000 चाहिए बिल्डिंग मास्टर और अभी चाहिए। समझ गया चाचा जी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना कि मैं आपको पैसे देता हूँ कि नहीं देता हूँ? अरे नहीं बिल्डिंग मास्टर मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा समझ गया, मतलब आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे सच में पैसों की जरूरत है, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। लगता है तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं 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 चाचा जी बिल्कुल भरोसा है। नहीं नहीं लेकिन अचानक 1,00,000 रुपए की आपको क्या जरूरत आंग पड़ी? वो मैं तुझे नहीं बता सकता, तू इतना समझ ले कि अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो तू एक बात बता, तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा? अब चाचा जी आप जेठा से पैसे क्यों नहीं मांगते? अरे वो 1,00,000 क्या 2,00,000 दे देगा। अरे जेठिया से मैं नहीं मांग सकता, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ भिंडी मास्टर। और हाँ जेठिया को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। देवा चाचा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो अपने बेटे जेठालाल को नहीं बता सकते? भिड़े तू पैसे दे रहा है ना? लेकिन चाचा जी मेरे पास 1,00,000 रुपए क्यों है ना? कल तेरे मामा तुझे देकर गए ना 1,00,000 रुपए। भिंडी मास्टर तू मुझे पैसे देगा ना? देख तूने अभी मुझे वचन दिया है कि तू ना नहीं कहेगा। मैंने यहाँ भी कहाँ बोला था है? देवा ये कैसी परीक्षा है, चंपक चाचा को भी आज ही मुसीबत में फंसना था। अरे इतना सोच क्या रहा है भिंडी मास्टर, तू क्या चाहता है मेरे साथ अनर्थ हो जाए? नहीं 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 चाचा जी मैं ऐसे कैसे चाहूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने जेठालाल को 1,00,000 रुपए देने का वादा किया है। अरे वो तू बाद में दे देना भाई। लेकिन चाचा जी देख भिड़े जीवन में तुझे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आज अभी ये 1,00,000 रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ? लेकिन मैंने आपको पैसे दिए तो मैं कहाँ रहूंगा? हाँ? नहीं चाचा जी मतलब जेठल को क्या बोलूंगा मैं, माधवी को क्या बोलूंगा? अरे भाई बिल्डिंग मास्टर किससे क्या समझाना है क्या बोलना है वो तू जाने। हाँ? मुझे बस पैसे चाहिए, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मुझे पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं चाचा जी है? नहीं नहीं मेरा मतलब है चाचा जी अगर मेरा बस चले तो मैं आपको 1,00,000 क्या 10,00,000 रुपए दे दूं। अच्छा चाचा जी ये पैसे देने के बाद आप बता सकते हैं कि आप मुझे कब तक लौटाएंगे? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता भाई, अभी मेरा दिमाग मुसीबत में अटका हुआ है, मुझ पे भरोसा रख बिल्डिंग मास्टर, आज नहीं तो कल मैं तेरे पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन फिर भी बता देंगे कि कब तक लौटा सकते हैं तो अच्छा होता। अरे भाई तू पहले पैसे दे तो सही फिर मैं लौटाऊंगा ना। देख भिंडी मास्टर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तू मुझे मदद करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाचा जी मैं बिल्कुल मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने से अचानक पैसे मांगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर मुझे माधवी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अरे बिल्डिंग मास्टर ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, देख तूने मुझे अभी वचन दिया है कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। वचन दिया है? अरे देवा। चाचा जी आप प्लीज मुझे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक तो 9 बजे तक सोच के मुझे पैसे दे दे। ठीक है मैं रात को 9 बजे तक आपको सोच के कुछ ना कुछ बता दूं। अरे रात को नहीं भिंडी मास्टर अभी के 9 बजे।
9 लाख कैसे दे, 9 तो बजने वाले हैं। हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, 9 बजेंगे तो मुझे पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना प्लीज। ठीक है 10। बस नहीं, नहीं, नहीं मतलब 10 बहुत कम समय है, थोड़ा ज्यादा प्लीज। एक काम कर, 12 बजे तक तू सोच के मुझे पैसे दे देना। 12 बजे भी बहुत जल्दी हो जाएगा चाचा जी। अरे ठीक है तो तू बता, तू कितने बजे तक सोच कर मुझे पैसे देगा? साधारणपणे 2 बजे पक्का, 2 बजे मैं आऊंगा, तू मुझे पैसे दे देना। मैं चलता हूँ। चाचा जी नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ये हेलो पास तो देखे ही नहीं आपने। कमाल है कमाल है। देवा ये चाचा जी ने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उनको 1 लाख रुपए चाहिए, पर ऐसी क्या मजबूरी है जो अपने बेटे जेठलाल से नहीं मांग सकते, पूरी सोसाइटी में मांगे भी तो मुझसे। चलो 1 लाख रुपए में दे भी दूं लेकिन वापस कब मिलेंगे क्या पता, और कल को अगर ये बात मेरे जेठलाल को बता दी कि मेरे चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए है तो क्या वो मानेगा क्या? चार्टी वाली पार्टी करके आया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहे भिड़े? ओ अच्छा अच्छा समझा। कल मैंने तेरे साथ मजाक किया था, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सुबह मेरे घर पे आए थे और 1 लाख रुपए लिए हैं मुझसे। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये बात किसी को बताना मत, तुम्हें भी नहीं। नहीं लेकिन मैंने सोचा कि ये बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, क्या अगर तुम्हें कल पता चलेगा तो तुम मेरे पे भड़कोगे कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बोला। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाचा जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। ओ थांबा थांबा, रुको भाई रुको, क्या उठपटांग बोले ही जा रहा है। बापू जी को 1 लाख रुपए चाहिए ही होते तो मुझसे मांगते, मैं हूँ ना, तुझसे क्यों मांगेंगे? अरे वही तो मैंने उनको बोला कि आप जेठा से पैसे मांग लो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं जेठा से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? तुम्हारा क्या महत्ता ना महती ना। अच्छा चल एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया मांगा, पर ये मैं कैसे मान लूं कि तूने बापूजी को 1 लाख रुपया दे दिया? और ये अलग अर्थ है, मैंने सच में उनको पैसे दिए भाई। अरे क्या दिए, तेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े रहते कि बापूजी ने आके मांगे तो तूने दे दिए? ये लीजिए ऐश करो, ये लो 1 लाख रुपया लो। जेठालाल माना कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं पड़े होते, लेकिन तुमको मालूम है ना कि मामा जी के पास से मुझे 1 लाख रुपए आए हैं, मैंने वही पैसे उनको दिए हैं। तू कुछ भी बोल भाई, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बापूजी ने तेरे पास 1 लाख रुपए मांगा। अरे मैं आई शपथ भी खराब बोलते है जेठालाल। अच्छा तो एक काम करो ना, उनको बुला लो, उनको ही पूछ लो। क्या हुआ इतना शोर क्यों है? अच्छा बता जी आप आगे, आप जेठा को बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप इसे बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। कौन से 1 लाख रुपए भाई? तूने मुझे कब दिए 1 लाख रुपए? आता बोला बोला आता। अरे हला करते रे, ये खोटा बोलता है। अरे हाँ मुझे, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। बरोबर ना चाचा जी, ये आप बाप बेटे मिलकर मेरा 1 लाख रुपए हड़पना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप हड़प लाते। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे मेरे दिमाग में। चाचा जी को पैसे दूं तो टेंशन, ना दूं तो टेंशन। चाचा जी आप जेठालाल से पैसे क्यों नहीं मांग सकते? एक मिनट, चाचा जी जेठालाल से पैसे नहीं मांग सकते, लेकिन मैं तो मांग सकता हूँ ना। हाँ जेठालाल से मैं 1 लाख रुपए उधार मांगूंगा और चाचा जी को दे दूंगा। यस एक मिनट भिड़े, जेठालाल के घर पे जा रहे हो 1 लाख रुपए मांगने के लिए? अरे कल रात को तुम ही गए थे ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करने तो सलाह दे दो ये बोलने के लिए, और अभी किस मुझसे मांगोगे 1 लाख रुपए उधार? अरे बाप रे क्या मुसीबत है, जेठालाल को सच्चाई बता भी नहीं सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। मामा जी आपको 2 दिन बाद आना चाहिए था ना पैसे देने के लिए, तो चाचा जी को मैं बोल देता कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। ये चाचा जी अपने बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग रहे? कहीं दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई दूसरी मुसीबत? क्या करूं,
चाचा जी वापस आए इससे पहले उनके घर जाके सच्चाई का पता लगा दूं? काय झालं? टेंशन में क्यों दिख रहे हैं आप? कौन टेंशन है माधवी? आपके सुर से ही पता चल रहा है कि आपको टेंशन है। बोलिए क्या हुआ? नहीं वो समझ गई, 1,00,000 रुपए देने हैं इसलिए ना? ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे सामने। कितना पैसों के विदाई का गम करेंगे आप? खुशियां मनाइए, उल्टा हंसिए थोड़ा सा। 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तुम लेके आई सामान? हाँ हाँ, ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा जेठा के पास जाके आता हूँ। अत्ता का? नहीं मतलब जेठा के पास शाम को जाना है ना, तो उसके पहले सोसाइटी के काम निपटा के आता हूँ। काही हरकत नहीं, पण लवकर या, मी मस्त पुरणपोळी बनवते हां। हां चालेल। क्या मुसीबत है देवा, धर्मपत्नी को भी सच्चाई नहीं बता सकता मैं। देवा भी नमस्ते। अरे भीड़ भाई आइए आइए। जेठालाल वो तो दुकान पे। ओ अच्छा अच्छा। ओहो, अभी दया भाभी से कैसे पूछूं? भीड़े भाई क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था। मुझसे? कहिए ना भीड़े भाई, क्या बात है? आपको तो पता ही है मैंने जेठा से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी। हाँ, पता है भीड़े भाई। हाँ। दया भाभी वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए क्या है आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हम गोकुलधाम वासी एक परिवार की तरह रहते हैं और मुझे चिंता हो रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। भीड़े भाई कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? दया भाभी आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। हे बाबा जी, कैसा टेंशन, किसको टेंशन, कब हुआ है टेंशन? नहीं 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 दया भाभी, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। पूछ रहे हैं? ओ नहीं नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, पर भीड़ भाई आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या है दया भाभी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त है जिसके घर पे टेंशन चल रहा था, जो इस दोस्त को मालूम नहीं था, और इसने उसको कोई काम बोल दिया जिसकी वजह से वो और टेंशन में आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में या जेठल को कोई टेंशन हो और मैंने उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल के और टेंशन दे दिया हो। नहीं 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 भीड़ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, टप्पू के पापा को कोई टेंशन नहीं है। और चंपक चाचा? अरे भीड़ भाई, टप्पू के पापा के होते हुए बापूजी को क्या टेंशन हो सकता है? टप्पू के पापा एकदम आदर्श पुत्र है। है दया भाभी, चाचा जी को टेंशन है और वो टेंशन अभी मुझ पर डाल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं दया भाभी, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि चाचा जी को कोई टेंशन है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि चाचा जी कहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ। भिंडी मास्टर। हाँ बे। बहू जरा पानी देना। हाँ ले बापू जी। अभी ले बापू जी। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू भीड़े, थैंक यू, तू 2 बजे से पहले ही आ गया। लाला बहू आए उससे पहले मुझे पैसे दे दे। नहीं नहीं चाचा जी, मैं आपको पैसे देने नहीं आया हूँ। तो दरअसल मैं आपके पास और ज्यादा वक्त मांगने आया हूँ 2 बजे के बाद का। अरे अरे भिंडी मास्टर, मैं 2 का 1 कर सकता हूँ लेकिन 2 का 2 5 भी नहीं कर सकता। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहा है? बापू जी कैसी मजबूरी? मैं कैसे बताऊँ? भीड़े तू बता। बता दूं? हाँ। कुछ नहीं देव, अभी मैं और चाचा जी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि आजकल दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई मजबूरी तो है ही, जैसे हमें ट्यूशन और अचार पापड़ बेचने की मजबूरी, जेठालाल को दुकान चलाने की मजबूरी, बच्चों को वक्त पर पढ़ाई पूरी करने की मजबूरी, किसी को नौकरी धंधे की मजबूरी वगैरह, और पोपट भाई की शादी ना होने की मजबूरी, किसी को पैसों की मजबूरी, किसी को पैसे ना देने की मजबूरी, और किसी को वक्त पर गैस बंद करने की मजबूरी। बापूजी आज मैं आपका पसंदीदा सीरा बना रही हूँ। हाँ। मैं अभी आई हूँ। हाँ। कुकर में शीरा? अरे तू वो सब छोड़ ले भाई, तू खाली इतना समझ कि ये बहू जो मेरे लिए शीरा बना रही है वो मुझे मीठा लगता है या फीका लगता है, वो सब तुझ पे है। हाँ चाचा जी मैं समझ सकता हूँ, अभी फिलहाल मुझे पापड़ और अचार की डिलीवरी करने जाना है तो मैं वहाँ जाके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। भिंडी मास्टर। हाँ? याद रखना। हाँ 2 बजे बताता हूँ। 2 बजे बताना नहीं है, 2 बजे पैसे देने।
हाँ हाँ वही वही दया भाभी से भी कुछ पता नहीं चला। दया भाभी भले ही ना कहे लेकिन चाचा जी के साथ घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इस बात का पता मुझे जेठल के पास दुकान जाकर ही लगाना पड़ेगा। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन गोकुलधाम में इस कहावत का नया रूप है कि टेंशन टेंशन को खींचता है। भाई भिड़े का एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का टेंशन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि ये चाचा जी के पैसे का टेंशन आ गया। अब क्या है ये चाचा जी के पैसों का राज? भाई चाचा जी को पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, और जरूरत पड़ी तो अपने लखपति बेटे जेठालाल से क्यों नहीं मांगे और भिड़े से क्यों मांगे? बहुत सारे सवाल है। सवाल तो ये भी है कि ऐसी कौन सी बात है जो चंपक चाचा जेठालाल से छुपाना चाहते हैं? भाई भिड़े का टेंशन, चंपक चाचा का टेंशन, ये इतने सारे सवाल है ना साहब जो अभी भिड़े के दिमाग में इस कदर घूम रहे हैं जैसे पंखा घूमता है। और इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए भिड़े जैसे एक डाल से दूसरे डाल पर चिड़िया फुदकती है इस तरह से आ जा रहे हैं। अब इतने सारे टेंशन जमाने में हो गए हैं कि टेंशन के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, भिड़े को भी जवाब मिलेंगे, लेकिन टेंशन के जवाब टेंशन में नहीं देंगे। हम आपको जवाब देंगे हंसते हंसाते। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए, और तब तक सोचते रहिए कि क्या है ये चंपक चाचा के एक लाख रुपए लेने का राज। सोचते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, भिड़े भाई आपसे मिलने आए हैं। अरे भिड़े, इतना जल्दी क्यों आ गया? मैंने बोला था ना मैं फोन करूं, बाद में आना। जेठालाल मैं यहाँ से गुजरा था इसलिए मिलने चला है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो मनोज भाई से बात हो गई है, वो 4 बजे आ रहे, तो तू पैसे लेके 4 बजे आ जाना, ठीक है? हाँ। बैठ बैठ बैठ। अरे नंटू काका, कुर्सी तो दो। ओह सॉरी। आजा आजा, बैठ 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 बैठ। प्लीज प्लीज, बोल 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 भाई, क्या लेगा? चाय, नाश्ता? हाँ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप कितने दिनों बाद हमारी दुकान पे आए और बोलते हैं कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, थैंक यू नटू काका, लेकिन सच में कुछ नहीं चाहिए। ओके, नो फॉर्मेलिटीज। सेठ जी आप क्या लेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे कमाल है, कोई कुछ ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय मंगवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। अरे बोल बोल भाई बोल। और कैसे चल रहा है बिजनेस? क्या बात है भाई, ट्यूशन के लाइन छोड़ के ये लाइन में आने का सोच रहा है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा जेठालाल, एक बात पूछू? हाँ पूछो पूछो। तुम्हारे और चंपक चाचा के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है? नहीं नहीं, मतलब ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो रिपोर्टर है, और वो क्या है बाप बेटे के रिश्तों पे एक आर्टिकल लिख रहा है, तो उसने मुझे पूछने के लिए बोला था। हाँ कोई बात नहीं, भेज भेज उसको मेरे पास, एक से एक जबरदस्त बढ़िया जवाब दूंगा, मजा आ जाएगा उसको। वो नहीं आ सकता, दरअसल वो कोल्हापुर में रहता है ना, तो उसने मुझे बोला कि तुम 2-4 सवाल पूछ लो, बाद में मुझे बता देना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताओ ना। तो तेरा वो पैड पेन किधर है? वो क्यों? मैं जवाब बोलूंगा तो लिखेगा किस पे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं याद रख लूंगा। अरे भाई फिर वो उसको बताने में कुछ जवाब में ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, शिक्षक हूँ। अरे हाँ भाई, तेरा मेमोरी कार्ड तो क्या बोलते हैं 128 GB का होगा? नहीं। हाँ बताओ बताओ। अरे तू पूछ। हाँ वही वही, कैसा चल रहा है रिश्ता? मेरा और बापूजी का रिश्ता एकदम आदर्श रिश्ता है, यूं समझ ले भगवान रामचंद्र जी और उनके पिताजी राजा दशरथ जी का जैसा रिश्ता था, वैसा ही मेरा और मेरे बापूजी का रिश्ता है। हाँ। वहाँ पे भगवान राम वचनबद्ध थे, यहाँ पे आत्मा राम वचनबद्ध है। अच्छा जेठालाल, और एक सवाल था। हाँ पूछो पूछो। आजकल के बेटे अपने पिताजी की पैसों की मजबूरी का ख्याल रखते हो, मतलब रखते हैं? देख, दूसरे बेटों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। दूसरे बेटों के मतलब तुम्हारे और भी भाई है? अरे नहीं नहीं भाई, क्या बोल रहे तू? दूसरे बेटे मतलब दूसरे बाप के जो बेटे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो अपने पिताजी को पैसे देते होंगे नहीं देते होंगे उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ कि बापू जी को जब भी जितने भी पैसे चाहिए होते मैं उनको देता हूँ, देता था, देता हूँ, देता रहूंगा। क्या बापू जी को मेरे पास पैसे मांगने नहीं पड़ते, उनका एक इशारा ही काफी होता है।
तो इस बार चाचा जी ने जेठालाल को इशारा किया नहीं कि किया, लेकिन जेठालाल ने समझा नहीं। क्योंकि क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब बापू जी का है, तो मैं उनको जो पैसे देता हूँ वो दरअसल उनके ही पैसे है, मेरे नहीं है। वाह वाह, तो तुम्हारे और चाचा जी के बीच कभी अनबन? नहीं नहीं, कभी नहीं भाई। अच्छा जेठालाल, चंपक चाचा को ऐसी कोई आदत है जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो, जैसे घोड़े की रेस पे पैसे लगाना या जुआ खेलना या सट्टा खेलना? ए भाई, क्या बोल रहा है तू, क्या पूछ रहा है तू, अकल वकल है कि नहीं, क्या कुछ भी बोल रहा है तू? जेठालाल, मेरे दोस्त ने जो सवाल पूछने के लिए बोले थे उसमें से एक सवाल है ये। अरे तेरा दोस्त बेवकूफ है, वो नहीं जानता है बापू जी को, लेकिन तू तो जानता है ना बापू जी को, फिर भी तू ऐसा कैसे पूछ सकता है? सॉरी 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 जेठालाल, गलती हो गई, सॉरी, मतलब नहीं है ना? अरे? नहीं है, नहीं है। हाँ? मैं फोन करके बोल दूंगा उससे, सॉरी। ना ना, मैं सॉरी सॉरी भाई, मैं जरा गुस्सा हो गया, वो क्या है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बापू जी के बारे में कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता। बोलो, ये बाप बेटे में कोई अनबन नहीं है तो भी चाचा जी मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं? बोलो बोलो बंशी काका, की आयो? आओ मजे में, बोलो बोलो। हाँ, कैसी है ठंडी भुज में हमने? अरे नहीं नहीं यार, मुंबई में कहाँ ठंडी पड़ती है, थोड़ी भेजो इधर। अरे एंकर वाला इंसा दाम के महेंद्र भाई संगोई को कौन नहीं जानता बंशी काका, दो दो फोन दो, फोन दो उनको। हाँ महेंद्र भाई, की आयो? अरे अरे मजे में मलिक, अरे आपको कौन नहीं जानता, अरे आप गौशाला का इतना बड़ा काम कर रहे तो आज बोले बोले। हाँ हाँ, अरे कितना क्या, बापू जी के नाम पे 1,00,000 लिख लीजिए, चंपकलाल जंतीलाल गड़ा। हाँ जी जी जी, अब मैं चेक आज ही कुरियर से भेज देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, जरूर जरूर मिलते हैं मालिक, मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, आज ही आज ही। ओके ओके, अरे थैंक यू आपने मुझे याद किया। इसी बहाने पुण्य का काम बापू जी और हमसे भी हो गया ना। ओके थैंक यू थैंक यू। बोलो, वहाँ पे चाचा जी 1,00,000 के लिए भटक रहे और यहाँ पे बेटा 1,00,000 रुपए दान कर रहा है, जेठालाल को बता दूं? लगता है सवाल याद कर रहा है। माधवी का फोन। अरे तो तू लगे क्यों घूम रहा है? जेठालाल माधवी का घर से फोन है भाई। हाँ बोल माधवी। माधवी नहीं, मिसेस माधवी की बेटी मिस सोनू। हाँ बोल सोनू। बाबा आई पूछ रही थी आप कहाँ हो, आई का यमी खाना तैयार है, अब जल्दी घर पे आ जाओ। हाँ बस आई को बोलना मैं आ ही रहा हूँ। हाँ ओके बाय बाय। आई बाबा आ रहे हैं। चलो जेठालाल मैं चलता हूँ। बस बस हो गया, इतना ही सवाल था? बस बस इतना ही। ओके थैंक यू थैंक यू। 4 बजे आ जाना पैसे लेके। हाँ 4 बजे जेठालाल पैसे मांग रहा है, 2 बजे चंपक चाचा जी पैसे मांग रहे हैं, क्या करूं? चल ओके। आई भूख लगी है। हाँ बड़ा बैठते हैं, पर इनकी राह देख रही हूँ, ये आए ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मैं फोन करती हूँ। पूछ जरा कहाँ रह गए, कठिन है भाई। कहाँ थे आप, कब से खाना तैयार है, भूख लगी है सोनू को। हाँ हाँ तुम खाना परोसो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सुन सुन, वाव आई कितनी सारी वैरायटी, देखो बाबा आई ने आपकी फेवरेट पूरन पोली भी बनाई है। हाँ बेटा, लेकिन पूरन पोली जैसी मेरी इन्वेस्टमेंट की खुशी को चंपक चाचा ने जली हुई रोटी जैसा बना दिया। ओहो क्या सोच रहे हैं आप, चलिए। हाँ चलो, कहाँ चलना है? क्या मजा कर रहे हैं आप, चलिए, मतलब चलिए खाना शुरू कीजिए ऐसा। कैसे खाऊं खाना, टेंशन के मारे खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बाबा पूरन पोली तो खाइए। हाँ बेटा। आओ, ये पूरन पोली चटनी में डुबोकर क्यों खा रहे हैं आप, उठे लक्ष्य। सॉरी आई,
बाबा मुझे टेंशन में लग रहा है। नहीं 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 सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। आहो टेंशन मत लीजिए ना, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसे। हा? नहीं होगा इन्वेस्टमेंट माधवी, बीच में चंपक चाचा आ गए। अगर पैसे नहीं दूं तो चंपक चाचा को क्या कहूं, और अगर पैसे दूं तो माधवी को क्या कहूं? माधवी को सच बता दूं? नहीं बता सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। बाबा ये आप क्या कर रहे हो, क्या हो गया है आपको? क्या मस्त बनी है पूरन पोली। कितनी उम्मीदों के साथ लोनावला में दूसरा घर होने जा रहा था, और उसी वक्त चंपक चाचा की मुसीबत बीच में आ गई। हा? क्या बीच में आ गई? गलती से मिर्ची आ गई। ओहो, वक्त तो भाग रहा है, 2 बजे चंपक चाचा को क्या जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा है। ये भिड़े 2 बजे 1 लाख रुपया देगा कि नहीं? क्या करूं, 1 लाख रुपए दे दूं चंपक चाचा को? भिड़े 1 लाख रुपया दे दे तो अच्छा है। नहीं नहीं, किसी बहाने से मना कर देता हूं। कहीं भिड़े ने पैसे लेने से मना कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, 2 बजे क्या होगा, क्या होगा 2 बजे? आहो, ये मसाले वाले का हिसाब है, मैंने चेक कर लिया है, पर आप भी चेक करेंगे तो अच्छा है। हाँ थोड़ी देर बात करता हूँ। लेकिन भूल मत जाना। हाँ नहीं 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 नहीं। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, चंपक चाचा की वजह से बहुत टेंशन में लग रहा है आप। अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना, जेठालाल दया भाभी से कुछ पता नहीं चला, और मेरा तो ये सोच सोच के दिमाग घूम रहा है कि चाचा जी को 1 लाख रुपए की क्या जरूरत हम पड़ी। भिड़े कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? ये क्या बोल रहे भाई, अभी बोल दिया, जेठालाल के सामने बिल्कुल बोलना मत, अभी डांट खा के आ रहा हूँ। और चाचा जी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। भाई वो अगर कोई गलत काम नहीं कर सकते तो फिर अपने लखपति बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, और पूछने के बाद बता भी नहीं रहे कि कब लौटाएंगे। हाँ लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है, तुम्हारा अभी पूरा खेल बिगड़ने वाला है बेटा। भिड़े तुम्हारा ये लोनावला में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है ना, वो भूल जाओ। क्या बोल रहे हो भाई, मैं क्यों भूल जाऊँ? तो फिर पैसे देने से इनकार कर दो। वही तो ना, मैं चाचा जी को मना नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे सेकंड होम का सपना तो सपना ही रहने वाला है। भिड़े तू एक काम कर, तू हिमालय चला जा। तो भाई क्या बोल रहे हो, क्या हंसे जा रहे हो भाई, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। एक काम हो सकता है। क्या? चाचा जी ने पैसे कितने बजे मांगे? 2 बजे मांगे है ना? हाँ। अरे तो 2 बजने की राह क्यों देख रहा है भाई, निकल जा अभी से, सीधा रात को वापस आना। तुम घर पे रहोगे नहीं तो चाचा जी पैसे किससे मांगेंगे? लेकिन उनके पैसों की जरूरत का क्या? अरे 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 भिड़े कितना भोला है तू, मुझे सब समझाना पड़ेगा। अरे भाई अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो मजबूरी में ही सही चाचा जी जेठालाल से पैसे ले लेंगे, बाद में तुम उससे माफी मांग लेना, बोल देना चाचा जी मैं तो पैसे देने ही वाला था लेकिन क्या करूं, बाहर एक जरूरी काम में फंस गया था, आई एम सो सॉरी, बी डिप्लोमेटिक। भिड़े सोच क्या रहा है, देख 1:30 बज गए, डेढ़, अरे मैं भी निकल रहा हूँ, तू भी निकल ले, चल चल निकल ले। माधवी, ए माधवी, काय झालं? मुझे जरा सोसायटी का अर्जेंट काम याद आ गया तो मैं बाहर जाके आता हूँ। वही साहब, वो आने के बाद देख लूंगा। अच्छा बाहर जा रहे हो तो शक्कर लेते आना। ओहो ले भाई आप उल्टा, जरा धीरे बोलो अब्दुल, कितनी जोर से बोल रहे हो, बाजू में तो खड़ा हूँ मैं। उल्टा क्यों चल रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन है क्या? नहीं नहीं, वो स्टूडेंट के लिए नया कोर्स है उल्टा चलने का, तो उनको सिखाने से पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उल्टा चलने का कोर्स? हाँ चलो बाद में मिलते हैं। ओके हो गया मेरा। अरे चाचा जी
चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। ये अब्दुल को भी चाचा जी को आज ही पूछना था कैसे ही नहीं क्या है। अरे भाई चाचा जी को छोड़ दे तभी तो वो गार्डन में जाएंगे। भिड़े भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे वो ये जाली है ना वो ठीक से रात को बंद नहीं हो रही है, वो ही चेक कर रहा था, शायद जंग लग गया है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। अरे भाई जाने दे चाचा जी को गार्डन में। नहीं नहीं भिड़े इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, चाचा जी देख लेंगे और लोग भी आ जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद निकलता हूँ। हे भगवान ये भीड़े वक्त पे पैसे दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। वाह 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 लगता है चाचा जी घर चले गए, यही मौका है निकलने का। अरे ओह चाचा जी तो यही है। अरे बाप रे लगता है चाचा जी घर नहीं जाएंगे, कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा बाहर जाने का। आहो क्या हुआ क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा जाम हो गया था वही चेक कर रहा था। अच्छा वो अर्जेंट काम था वो हो गया? किसका? आपका कुछ अर्जेंट काम था ना वो हो गया? हाँ हाँ हो गया इतनी जल्दी? हाँ देखो ना जल्दी हो गया। अरे वाह अच्छा वो शक्कर लाए वो कहाँ रखी है? शक्कर वो कब बोला था? क्या आओ आप बाहर जा रही थी तभी नहीं मैंने बोला था कि आते आते शक्कर लेके आना? हाँ वो मैं भूल गया, मैं लेकर आऊंगा। माधवी पानी मिलेगा? हाँ आए गरम पानी। नहाना है? नहीं नहीं अच्छा वो गरम पानी में थोड़ी चाय पत्ती और शक्कर भी डालना। तो बोलिए ना डायरेक्ट चाय चाहिए असो कशाला ते काय गो भाई। क्या करूं कैसे जाऊं? चाचा जी अभी तक कंपाउंड में ही खड़े, छाता खुल के जाऊंगा लेकिन फिर भी देख लिया तो। अरे चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए? कमाले भाई। अरे अब्दुल इधर आ। हाँ हाँ चाचा जी। अरे भाई इंडिया का स्कोर क्या हुआ? चाचा जी पूछे मत, लगता नहीं कि आज इंडिया जीतेगी। ओहो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कि चाचा जी मैच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? जो भी हो मुझे तो यहाँ से भागना ही है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अरे भिड़े मास्टर तुम हो क्या? नहीं 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 मैं आप लोगों के साथ कोई लुका छिपी नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन भिड़े इस वक्त जरूर चंपक चाचा के साथ लुका छिपी खेल रहे। भाई मोबाइल वालों को हर जगह नेटवर्क मिले ये जरूरी तो नहीं, लेकिन पैसे बचाने वालों को हर जगह समस्या मिलती ही है। भिड़े का हाल इस वक्त उस मासूम बच्चे की तरह है जिसके पास एक चॉकलेट है लेकिन वो चॉकलेट किसी और को देना नहीं चाहता,
लेकिन सामने है एक जिद्दी और अड़ियल बच्चा यानी कि चंपक चाचा जी। अभी स्थिति बिल्कुल उस जिद्दी और अड़ियल बच्चे की तरह है। अब देखना यह है कि भिड़े कैसे बचेंगे या भिड़े पैसे किसे देंगे, बाप को या बेटे को। और ये गुत्थी भी तो अभी तक नहीं सुलझी है कि चंपक चाचा को आखिर पैसे क्यों चाहिए। भाई अब देखने वाली बात यह है कि क्या भिड़े इस स्थिति में बचेंगे या फिर फंसेंगे। भाई वो बचेंगे या फंसेंगे ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन आप फंसेंगे क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भाई बिना बारिश के छाता खोल के कहां जा रहे हो? अरे भिड़े भाई छाते में छुपके कहां जा रहे हो? अरे भाई छाते में छुपके कहीं जा नहीं रहा हूँ, वो तो जस्ट चेक कर रहा था मैं छाता सही है कि नहीं। क्या है मेरे पास ये एक्स्ट्रा छाता था तो मैंने सोचा कि पोपटलाल को दे दूं। लाओ मैं दे देता हूँ, मैं पोपट भाई के घर पे जा ही रहा हूँ सामान देने के लिए, साथ में छाता भी दे दूंगा, बहुत खुश हो जाएंगे। ओके बाय। गेली माजी नवीन छतरी गेली। कोई बात नहीं, बाद में पोपटलाल से ले लूंगा। कैसे है चाचा जी? हाँ ठीक। और भिड़े मास्टर क्या सोचा इन्वेस्टमेंट के बारे में? कसला डोमला से इन्वेस्टमेंट? नहीं नहीं आती भाई अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मतलब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुक भिड़े मास्टर, फिर तूने क्या सोचा? किस बारे में चाचा जी? वो हथेड़ा हमारी खास बात है कुछ है? कोई बात नहीं चाचा जी, लेकिन अगर खाने से रिलेटेड कोई बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये हथेड़ा तू खाने के अलावा और कुछ सोचता है कि नहीं? सोचता हूँ ना चाचा जी, मैच के बारे में। इंडिया की पोजीशन बहुत खराब है, 80 रन पे 4 विकेट चले गए। 4 विकेट? आज तो हार पक्की है। ये चाचा जी आज बार बार मैच का स्कोर क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उन्होंने मैच में पैसे तो नहीं लगाए? नहीं 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 क्या सोच रहा है भिड़े? नहीं नहीं चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। चलो मैं चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। चलो चाचा जी। वहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो यहाँ है ना? वो मैं काम से जा रहा था। अरे भाई तेरा काम तो कर दिया ना अब्दुल ने, मेरा काम तू कब करेगा वो बता। चाचा जी मुझे 4 बजे तक का वक्त दीजिए ना प्लीज। पहले तूने 2 बजे का बोला था, अभी तू 4 बजे का बोल रहा है? वो पैसे अलमारी में रखे हुए और चाबी माधवी के पास है। तो माधवी बेटी से चाबी मांग ले। नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग का अभी भी झगड़ा हुआ है। हाँ और अगर मैं अभी चाबी मांगूंगा तो बोलेगी किस लिए चाहिए, तो मैं क्या बोलूँ 1,00,000 रुपए निकालने ऐसे बोलूँ, है ना? इसलिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। तुम अच्छा ठीक है, लेकिन देख भाई 4 बजे तक मुझे पैसे दे देना, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं यही कंपाउंड में तेरा इंतजार करता हूँ। ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है? घर यहाँ है ना तेरा, यहाँ जा। विसर लो विसर लो। क्या मुसीबत है, कंपाउंड के बाहर जा ही नहीं सकता मैं। एक कोशिश की थी छाता पकड़ के जाने की तो हाथी भाई ने रोक लिया। अब तो चाचा जी मेरा वहीं पे इंतजार करेंगे। अरे चाचा जी वहां पे क्यों इंतजार कर रहे हो, घर पे जाइए ना 5 मिनट के लिए सही, लेकिन घर पे जाइए चाचा जी, मुझे जाना है बाहर। आला तुम्हें? हाँ। चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए थे आप? नहीं बस यही एक अर्जेंट काम याद आ गया था। शक्कर लाए? हाँ शक्कर। वो कब बोला था? क्या आप बाहर जा रहे थे तभी मैंने नहीं बोला था आपको आते आते शक्कर लेके आना, आपने हाँ भी बोला था तभी। हाँ हाँ वो टेंशन में भूल गया मैं। कसला टेंशन? हेलो हाँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ आपका पापड़ का ऑर्डर ना हाँ कल तक रेडी हो जाएगा। हाँ हाँ पक्का पक्का। ओके ओके वेलकम वेलकम। हाँ बताइए क्या टेंशन है आपको? नहीं नहीं कुछ खास नहीं। ओहो अभी माधवी के सामने घर के बाहर कैसे जाऊँ? क्या हुआ आप क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं माधवी मुझे 1 कप कड़क मसाले वाली चाय मिलेगी। पीने वाले हैं आप? मतलब नहीं नहीं पहली वाली चाय फेंकनी पड़ी ना, तो अभी ये पक्का पीने वाले हैं? नहीं नहीं पक्का पीऊंगा, लेकिन कड़क चाहिए थोड़ी ज्यादा उबालना, एकदम मसाला वसाला डाल के अदरक डाल के। ओहो 4 बजे से पहले पहले सोसाइटी के बाहर जाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसे कि कोई पहचान ना ले। क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया। कुठली नेसू, काय फरक पडतोय?
ओहो, आज ये सोसाइटी का 100 मीटर का रास्ता 100 मील जितना लंबा लग रहा है। बाप रे, चंपक चाचा भी अभी तक यहीं बैठे हैं। कैसे हो? अरे बाप रे, दया भाभी भी आ गई। बापूजी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घर पे आराम कीजिए ना। अरे नहीं बहू, यहाँ खुले में अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ थोड़ी देर कंपाउंड में टहलूंगा, फिर घर आऊंगा। तू जा। ठीक है बापू। चाचा जी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। जो होगा सो देखा जाएगा। आपको जरा रुकाया, बुरा मत लगाना, लेकिन आपने गलती से जेंटस के चप्पल पहने हैं। हमारे खानदान में ऐसे ही चप्पल पहनते हैं। कौन सा गांव है आपका? चिपलून। चिपलून? अरे हमारी सोसाइटी के भिड़े बहन है ना, वो भी चिपलून से ही है। आप भिड़े बहन के आए थे? अच्छा, तो आप भिड़े बहन के फ्रेंड है। अच्छा, चलो मैं। अरे ये साड़ी क्या क्या हुआ साड़ी को? ये ऐसे शाम तो शाम साड़ी भिड़े बहन के पास भी है। कमाल है, ये लेडीज लोगों को एक दूसरे की साड़ी, पर्स, लिपस्टिक सब याद रहता है। क्या है, हमने साथ में शॉपिंग की थी ना, तो हम दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई थी इसलिए। अच्छा, चलो बाय। हाँ अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, तब औरत का राइल। आप अगली बार हमारी सोसाइटी में आओ ना, तो हमारे घर जरूर आना, वहाँ रहती हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। हाँ हाँ, पक्का पक्का, ओके। अरे बिन, सॉरी, हाँ आपने आपका नाम तो नहीं बताया। मनाली। मनाली? ओ मनाली बिन, मस्त नाम है। मैं चलूं? हाँ हाँ। अरे मनाली बहन, सॉरी हाँ, जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे पल्लू क्यों रखा है? वो हमारे खानदान की परंपरा है कि ऐसे ही पल्लू रखना चाहिए। ओ अच्छा, लेकिन ऐसी परंपरा तो घर के बड़ों के सामने ही निभाते हैं ना। मेरा क्या है, मेरे बापूजी है ना, मतलब मेरे ससुर जी, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, बहू बेटा तू मेरी बेटी जैसी है। वाह वाह, चंद चंद। हाँ मैं जाऊँ, बहुत देर हो गई। ओ हाँ हाँ हाँ, पर फिर आना हमारे घर पर। हाँ पक्का जरूर आओ। जो मनाली बहन, वही वही। बहन जी एक मिनट। मिलो। लगता है चंपक चाचा ने मुझे पहचान लिया। बहन जी आप बता सकती है कि टाइम क्या हुआ है? माफ करना, मैंने घड़ी नहीं पहनी। ओ कोई बात। अरे आज साले कहाँ है? चाय बनाने का बोलकर फिर से गायब हो गए। हद झाली भाई, कठिन है। बस 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 बस। ये होटल सही है, चेंज करके 4 बजे तक यहीं पे टाइम पास करता हूँ। अरे सॉरी सॉरी बहन जी। नहीं कोई बात नहीं। क्या आवाज? वो थोड़ी बैठ गई है, कोई बात नहीं, थैंक यू। चीप यार। एक्सक्यूज मी,
वॉशरूम कहाँ है? जी यहाँ से आगे जाके राइट। ओके, जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? क्यों? नहीं मतलब लेडीज वॉशरूम के बाजू में तो नहीं है ना? नहीं, दोनों बाजू बाजू में ही है, पर क्यों? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछनी थी। थैंक यू। ओके। अरे मैडम, मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है। अरे रुको भाई, अंदर कोई लेडीज गई हुई है। जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज कैसे गई? अरे मैंने उनको बोला लेकिन वो रुके ही नहीं। अरे भाई साहब, अंदर कोई लेडीज आई है ना? हाँ, जेंट्स टॉयलेट में लेडीज कैसे आ गई अंदर? आपने रोका नहीं उसे? अरे मैंने रोका लेकिन वो रुके ही नहीं। एक मिनट, उनके पास भी ऐसा ही बैग था। अच्छा, बोलो क्या जमाना आ गया है? आजकल की लेडीज जेंट्स टॉयलेट यूज कर रही है, जेंट्स जैसा बैग यूज कर रही है, ऐसा नहीं चलेगा। आप यहीं खड़े रहिए और जैसे ही वो बाहर आती है उसे डांटिए। जी मैडम, जल्दी कीजिए। वो मैडम, देवा ये क्या है? एक शिक्षक को भेष बदल के छुप छुप के चलना पड़ रहा है। बोलिए सर, क्या चाहिए? शांति चाहिए भाई। क्या? सॉरी, एक कप चाय लाना। और कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके। मामा जी के दिए हुए 1,00,000 रुपए उनका आशीर्वाद है, मैं उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा। सर पैसे ला, जल्दी पैसे दे। नहीं 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 चाचा जी, मैं पैसे नहीं दूंगा। देख भाई भिंडी मास्टर, तूने मुझसे कहा था तू मुझे पैसे देगा। अरे भाई मैं सिर्फ तेरे भरोसे पे हूँ। पहले तूने कहा कि तू मुझे 2 बजे पैसे देगा, फिर कहा 4 बजे देगा। तुझे क्या लगा मुझसे भाग कर छुप कर यहाँ बैठ जाएगा तो तू बच जाएगा? ला भिड़े, जल्दी से पैसे दे दे मुझे। नहीं नहीं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जेठाला से मांगिए। कहा है जेठाला? आप जेठाला के बारे में कैसे जानते? सर आपने अभी बोला ना कि जेठाला से पैसा मांगो। ओ सॉरी, नहीं पैसे तो मैं ही दूंगा। थैंक यू सर। ओहो, 4 बजने में तो बहुत टाइम बाकी है, चाहे तो अभी खत्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं कहीं आसपास टाइम पास कर लूंगा। अरे बेटा टाइम क्या हुआ? चाचा जी 4:05। हाँ ठीक। कमाल है ये भिंडी मास्टर ने, पहले 2 बजे का बोला फिर 4 बजे का बोला, 4:05 हो गए ये अभी तक आया क्यों नहीं? उसके घर जाकर ही देखो। भिड़े, ओ भिड़े, भिंडी मास्टर। चाचा जी हाँ? ये घर पर नहीं है। हाँ? तो कहाँ गया? वो आपको नीचे नहीं मिले? नहीं, मैंने उसे माधवी भाभी। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते, केम छे हो? मजा मा। माधवी बेटा एक काम करना, भिड़े को जल्दी से फोन करके पूछना कि वो कहाँ है, मुझे उससे जरूरी काम है। हाँ अभी पूछती हूँ। ये 4 क्यों नहीं बज रहे हैं आज? हाँ बोलो माधवी। हाँ कहाँ हो आप? मैं यही पास में होटल में चाय पीने आया था। काय? आप मुझे 2 बार चाय बनाने का बोलकर आप होटल में जाके चाय पी रहे, कमाल है तुमसे। ओह सॉरी सॉरी, बोलो ना क्या हुआ? आप सरल घर पे आइए, चंपक चाचा जी आपसे मिलने आए हैं। बाप रे। हेलो माधवी, तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो 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 हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, फोन कट गया। कोई बात नहीं माधवी बेटा, तेरी उससे फिर से बात हो तो उसे कहना कि मैं सोसाइटी कंपाउंड में उसकी राह देख रहा हूँ। हाँ नक्की चाचा जी, नक्की। चलता। हाँ हाँ जी, रोशन आइए ना बैठे। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। माधवी भाभी, मुझे लहसुन के पापड़ चाहिए थे, मेरी मासी ने पिछली बार खाए थे ना तो उनको बहुत पसंद आए थे।
अरे वाह, मैं अभी लेकर आती हूँ, बैठिए। कहीं नहीं, कहीं। बाप रे, चाचा जी फिर से घर पहुंच गए। लगता है पैसों को लेकर बहुत परेशान है चाचा जी। अगर मैं उनको पैसे ना दूं और भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो मैं जेठाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? जीरा भाई, मुझे लगता है चाचा जी टेंशन की वजह से बेहोश हो गए। नहीं आती भाई, टेंशन की वजह से नहीं, ये भीड़ की वजह से बेहोश हो गए। अरे जिंदगी में पहली बार बापूजी ने तुझसे कुछ मांगा वो भी नहीं दे सका। कंजूस मक्खी चूस। अगर तू बापूजी को पैसे दे देता तो उनकी ये हालत ना होती ना। अरे तेरे सारे पैसे मैं डबल ब्याज के साथ वापस कर देता। सॉरी जेठा। अरे सॉरी क्या, अगर बापूजी का कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भिड़े, कभी नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। भिड़े क्या सोच रहा है भाई, क्या सोच रहा है तू? नहीं 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 नहीं, क्या करूं क्या करूं। मेहता साहब, दोस्तों महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे ये तो आप जानते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ गड़ा चक्रव्यूह में फंसे हैं भिड़े। महाभारत में पांडवों को छिपके रहना पड़ा था और यहाँ भिड़े छिपके भाग रहे हैं। भाई इस चक्रव्यूह से निकलने की पूरी कोशिश में लगे हैं, अब क्या करेंगे? मैं जानता हूँ कि वो मुझे फोन करने वाले हैं सलाह लेने के लिए, पूछने के लिए कि भाई क्या किया जाए। गोकुलधाम सोसाइटी में जब भी किसी पे कोई मुसीबत आती है या सलाह लेनी होती है तो मुझे ही फोन करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे धर्म संकट आ जाते हैं साहब कि मैं सलाह देने के बजाय खुद फंस जाता हूँ। अब देखना यह है कि भिड़े मुझसे क्या पूछते हैं। क्या भिड़े को चाचा जी को ये 1,00,000 रुपए दे देने चाहिए या जेठालाल को बता देना चाहिए, और आखिर चाचा जी छिपा क्यों रहे? हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाना। मित्रों, कल बसंत पंचमी है, मां सरस्वती की आराधना का पर्व। हम मां शारदा से, मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम पे बनी रहे, और हम इसी तरह जीवन की खट्टी मीठी कहानियां हास्य से लबरेज एपिसोड्स आपको दिखाते रहें, कहानियां सुनाते रहें और आपको हंसाते रहें। जय मां सरस्वती। और अभी देखना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी में चंपक चाचा और भिड़े इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकलेंगे, अपने आप को कैसे इस चक्रव्यूह से निकालेंगे, ये जानने के लिए सोमवार का एपिसोड आप देखना मत भूलिएगा मेरे साथ। मैं जानता हूं आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि देखेंगे मेरे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.